देवगांव कोतवाली में आज बुधवार को ईद की नमाज के दृष्टिगत प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार मिश्रा के नेतृत्व में मीटिंग का हुआ आयोजन। आजमगढ़ जनपद के देवगांव कोतवाली में बुधवार को ईद की नमाज के दृष्टिगत प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार मिश्रा के नेतृत्व में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें संभ्रांत लोगों की उपस्थिति में ईद की नमाज को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 2011 से जिस प्रकार जमीन सीर ईदगाह में एक नमाज अदा होती है, उसी प्रकार पूर्व की भांति ईद की नमाज इस बार भी अदा की जाएगी। उन्हें उपस्थित जनों ने आश्वस्त किया कि यहाँ कोई समस्या नहीं है, सभी लोग मिलजुल कर एक साथ ईद की नमाज अदा करते हैं। इस मौके पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख मास्टर अलीम, कस्बा देवगांव के ग्राम प्रधान अनीस कुरैशी, पूर्व प्रधान रिजवान अहमद, मास्टर शादाब अहमद, रियाजुद्दीन, जावेद आलम, एसआई अल्ताफ खां आदि मौजूद रहे। इस संबंध में देवगांव के प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार मिश्र ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। व्यक्ति हैं जो कमेटी के अध्यक्ष और कमेटी के सदस्य और प्रधान प्रतिनिधि हैं, इनके बीच पूर्व में कभी यहाँ बारिश बहुत अधिक होने पर 2010 में ईदगाह के अंदर नमाज न होने पर मस्जिद जामा मस्जिद में नमाज हुई थी, जिसमें दो समयावधि पर नमाज हुआ, कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन तात्कालिक जो प्रभारी निरीक्षक चांद मोहम्मद साहब थे, उन्होंने सभी लोगों को इकट्ठा करके और त्योहार बीतने के बाद एक सुलह नामा कराया था, जिसमें कुछ शर्तें लगा करके उन्होंने दोनों फिरके के लोग, बरेलवी और देवबंदी लोगों को एक सुलह नामा बना दिए थे। उसके बाद 2011 से लेकर आज तक किसी भी तरह का विवाद नहीं, और मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार भी अब कोई विवाद है नहीं। चूंकि पूर्व में ये विवाद रहा है, इसलिए आप सभी लोगों को बुला करके एक बार उसी संदर्भ में आप लोगों से वार्ता की जा रही है, और सभी लोग इस बात पर इस बात भी सहमत हैं कि हम त्योहार अपना परंपरागत ढंग से और पूर्ण उससे मनाएंगे, किसी भी तरह का कोई विवाद पैदा नहीं।